हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल प्लस स्टडी आईक्यू पर। दोस्तों, आज से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है पैरासाइटोलॉजी, यानी एक नया सब्जेक्ट आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके बारे में हम डिटेल से समझेंगे कि पैरासाइटोलॉजी दोस्तों क्या होती है। पैरासाइटोलॉजी एक ब्रांच होती है दोस्तों माइक्रोबायोलॉजी की, या कहें मेडिकल जो माइक्रोबायोलॉजी की एक ब्रांच होती है पैरासाइटोलॉजी, ठीक है। और पैरासाइटोलॉजी के अंतर्गत क्या करते हैं दोस्तों, पैरासाइट्स की स्टडी की जाती है। लेकिन दोस्तों पैरासाइटोलॉजी की यहाँ पे समझने से पहले हमको माइक्रोबायोलॉजी के बारे में यहाँ पे समझना होगा कि क्योंकि ये माइक्रोबायोलॉजी की एक ब्रांच होती है। किसकी ब्रांच होती है पैरासाइटोलॉजी? माइक्रोबायोलॉजी की दोस्तों ये ब्रांच होती है, ठीक है। तो माइक्रो को यहाँ पे हम तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं, माइक्रो, बायो और लॉजी। माइक्रो का मीन्स यहाँ पे होता है दोस्तों सूक्ष्म, जो हमारे नेक्ड आई से यानी नंग नाकों से जो दिखाई ना दे, ऐसे ऑर्गेनिज्म क्या कहलाते हैं दोस्तों, माइक्रो कहलाते हैं, सूक्ष्म कहलाते हैं। और बायो यानी लिविंग, ठीक है। बायो का मीन्स क्या होता है? लिविंग। और लॉजी का मीन्स क्या होता है दोस्तों? स्टडी। तो दोस्तों जो माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत हम ऐसे लिविंग ऑर्गेनिम्स की स्टडी करते हैं जो हमें नेक्ड आई से यानी नंग नाकों से यहाँ पे दिखाई नहीं देते हैं, उनको क्या कहते हैं दोस्तों? माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत हम उसकी स्टडी करते हैं। तो वो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिम्स या ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिम्स दोस्तों जो हमारी नेक्ड आई से नहीं दिखाई देते हैं, उनका अध्ययन हम माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। और माइक्रोबायोलॉजी को भी दोस्तों यहां पे फाइव क्लास में या फाइव ब्रांच में दोस्तों डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी क्लास में यहां पे डिवाइड किया गया है या कौन कौन सी ब्रांच में दोस्तों यहां पे माइक्रोबायोलॉजी को डिवाइड किया गया है, ये देख लेते हैं। तो माइक्रोबायोलॉजी की जो फर्स्ट ब्रांच है दोस्तों जिसमें डिवाइड किया गया है, एक होता है बैक्टीरियोलॉजी, और एक ब्रांच होती है दोस्तों सेकेंड नंबर की अगर हम बात करें वायरोलॉजी, और थर्ड नंबर की अगर हम बात करें एक ब्रांच होती है इम्यूनोलॉजी। इनके बारे में डिटेल से हम समझेंगे इसमें क्या किया जाता है इन ब्रांचों के अंतर्गत, पूरी जानकारी हम देखेंगे। और एक होती है दोस्तों माइकोलॉजी, और एक ब्रांच होती है दोस्तों फिफ्थ नंबर की अगर हम बात करें जिसकी स्टडी हम आज कर रहे हैं, पैरासाइटोलॉजी। तो दोस्तों पैरासाइटोलॉजी क्या होती है? एक ब्रांच होती है दोस्तों माइक्रोबायोलॉजी की, और माइक्रोबायोलॉजी को पांच ब्रांच में हम डिवाइड करते हैं, बैक्टीरियोलॉजी, वायरोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, माइकोलॉजी और पैरासाइटोलॉजी। इनमें क्या किया जाता है? बैक्टीरियोलॉजी के ब्रांच के अंतर्गत क्या किया जाता है दोस्तों? इसमें दोस्तों बैक्टीरिया की स्टडी की जाती है। जो बैक्टीरिया होता है दोस्तों उनकी स्टडी किसमें की जाती है? बैक्टीरिया की स्टडी। बैक्टीरिया की जो स्टडी हम किसमें करते हैं दोस्तों? बैक्टीरियोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। और जो वायरस की स्टडी की जाती है वो वायरोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। और जो इम्यूनोलॉजी के अंतर्गत क्या करते हैं दोस्तों? इम्यून सिस्टम की स्टडी की जाती है। जो इम्यून सिस्टम होता है हमारा, उसकी स्टडी किस ब्रांच में की जाती है दोस्तों? माइक्रोबायोलॉजी की। तो इम्यूनोलॉजी जो ब्रांच होती है वहां पे इम्यून सिस्टम की स्टडी की जाती है। माइकोलॉजी ब्रांच में क्या किया जाता है दोस्तों? माइकोलॉजी में फंगस की स्टडी की जाती है। जो फंजाई होती है दोस्तों या फंगस होता है, फंगस की स्टडी कहां पे की जाती है? माइकोलॉजी ब्रांच के अंतर्गत की जाती है। और जो पैरासाइटोलॉजी यहाँ पे ब्रांच में क्या किया जाता है दोस्तों? पैरासाइटोलॉजी ब्रांच में दोस्तों पैरासाइट्स की स्टडी की जाती है। किसकी? पैरा जो साइट्स होते हैं यानी परजीवी होती है, जितने भी परजीवी सबकी स्टडी हम किसमें करते हैं दोस्तों? पैरासाइटोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि पैरासाइटोलॉजी क्या है, एक ब्रांच है दोस्तों माइक्रोबायोलॉजी की, और माइक्रोबायोलॉजी में ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी की जाती है जो नेक्ड आई से यानी नंग नाकों से जो दिखाई नहीं देते हैं, वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी किसमें? माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत की जाती है। और माइक्रोबायोलॉजी को भी दोस्तों यहाँ पे
फाइव ब्रांच में यहाँ पे डिवाइड किया गया है, बैक्टीरियोलॉजी, वायरोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, माइकोलॉजी और पैरासाइटोलॉजी। और पैरासाइटोलॉजी के अंतर्गत हम क्या करते हैं दोस्तों, पैरासाइट्स की स्टडी करते हैं, यानी जितने भी परजीवी होते हैं उनकी स्टडी यहाँ पे किसमें की जाती है दोस्तों, पैरासाइटोलॉजी के अंतर्गत की जाती है। अब एक नया यहाँ पे वर्ड निकल के आया दोस्तों, पैरासाइट्स। पैरासाइट्स क्या होता है इसके बारे में देखेंगे, क्या निकल के आया एक नया वर्ड अगर बात करें, पैरासाइट्स यानी परजीवी जितने भी होते हैं उनकी स्टडी किसमें की जाती है, पैरासाइटोलॉजी के अंतर्गत की जाती है। तो ये पैरासाइट्स के क्या होते हैं, पैरासाइट्स दोस्तों ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपनी ग्रोथ के लिए किसी अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म पे दोस्तों ये डिपेंड होते हैं, यानी ये क्या होते हैं, एक ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं दोस्तों जो अपने जीवन को यहां पे संपन्न करने के लिए, पूर्ण करने के लिए या अपनी लाइफ साइकिल को पूर्ण करने के लिए किसी अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म पे दोस्तों ये डिपेंड होते हैं, यानी उसके नरेशमेंट उनसे क्या लेते हैं। यानी एक सिंपल आसान भाषा में समझिए कि पैरासाइट्स क्या है, एक ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है दोस्तों जो अपनी ग्रोथ के लिए किसी अनदर लिविंग यहाँ पे होस्ट पे जो डिपेंड होते हैं उनको क्या कहते हैं, पैरासाइट्स कहते हैं। ठीक है, पैरासाइट्स दोस्तों यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले पैरासाइट्स के बारे में, उसकी हिस्ट्री के बारे में हमको समझना बहुत यहाँ पे जरूरी है कि इसकी हिस्ट्री यहाँ पे क्या होती है। और हिस्ट्री को समझने से पहले एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पे टॉपिक रह गया है कि पैरासाइट्स में दोस्तों, या पैरासाइट्स को या पैरासाइटोलॉजी को दो ब्रांच में यहाँ पे डिवाइड किया गया है उनके कैरेक्टर के हिसाब से। किस हिसाब से दोस्तों, जो पैरासाइट्स या जो पैरासाइटोलॉजी है उसको कह सकते हैं, यहाँ पे ऐसे समझ सकते हैं दोस्तों, ये पैरासाइटोलॉजी है इसको किसमें दो ब्रांच में यहाँ पे डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी ब्रांच में डिवाइड किया गया है, एक होती है प्रोटोजूलॉजी और एक होती है दोस्तों हेलमिंथोलॉजी। दोस्तों अगर हम बात करें पैरासाइट्स की, तो पैरासाइट्स में ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं जो एक यूनिसेलुलर भी होते हैं और मल्टी सेलुलर भी होते हैं। यहाँ पे हमने माइक्रोबायोलॉजी की डिटेल यहाँ पे जो डेफिनेशन समझते टाइम हमने क्या बोला था कि माइक्रोबायोलॉजी में कैसी किसकी स्टडी की जाती है दोस्तों, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी की जाती है जो हमारी नेक्ड आई से यहाँ पे दिखाई नहीं देते हैं, वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी किसमें की जाती है दोस्तों, माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत की जाती है। लेकिन जो पैरासाइटोलॉजी है, पैरासाइटोलॉजी में ये यहाँ पे जो बात करें यूनिसेलुलर, जो जिसको पैरासाइटोलॉजी को दो क्लास में यहाँ पे डिवाइड किया गया है, यहाँ पे ऐसे पैरासाइट जो यूनिसेलुलर यानी सिंगल, क्या कह सकते हैं, यूनिसेलुलर या जिनके पास सिंगल सेल प्रेजेंट होती है दोस्तों, क्या होती है, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म या ऐसे पैरासाइट जिन जो सिर्फ सिंगल सेल से मिलकर बने होते हैं उनको प्रोटोजूलॉजी के अंतर्गत यहाँ पे रखते हैं। और ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म दोस्तों, ऐसे पैरासाइट्स कह सकते हैं जो मल्टी सेलुलर होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं उनको हम हेलमिंथोलॉजी के अंतर्गत रखते हैं, यानी एक से जो ज्यादा सेल से मिलकर बने होते हैं। ऐसे पैरासाइट्स भी होते हैं दोस्तों जो इनको हम किस ब्रांच में, हेलमिंथोलॉजी के अंतर्गत रखते हैं। यहाँ पे हमने माइक्रोबायोलॉजी की डेफिनेशन समझते टाइम एक यहाँ पे क्या बोला था, माइक्रोबायोलॉजी में ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी की जाती है, ऐसे माइक्रो लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी की जाती है जो नेक्ड आई से यहाँ पे दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन यहाँ पे जो पैरासाइटोलॉजी के केस में यहाँ पे ये थ्योरी यहाँ पे मान्य नहीं करती है, ये थ्योरी यहाँ पे फेल हो जाती है, क्योंकि कुछ ऐसे पैरासाइट्स भी पैरासाइटोलॉजी में रखे गए हैं दोस्तों जो हमारे आंखों से दिखाई देते हैं, यानी एक मल्टी सेलुलर होते हैं दोस्तों, ठीक है, ये सूक्ष्म नहीं होते हैं, ऐसे
पैरासाइट्स को हम हेल्मिंथोलॉजी के अंतर्गत रखते हैं, और ऐसे पैरासाइट जो सिर्फ सिंगल सेल्स के बने होते हैं और जो सूक्ष्म होते हैं, हमारी नेक्ड आई से नहीं दिखाई देते हैं दोस्तों, उनको हम किस में रखते हैं? प्रोटोजूलॉजी के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, ये पूरी डिटेल से समझेंगे। लेकिन अगर हम बात करें दोस्तों पैरासाइट्स से, यहां पे हिस्ट्री, यहां पे देखेंगे पैरासाइट्स की हिस्ट्री क्या है, यानी पैरासाइट्स की खोज किसने की। तो सबसे पहले अगर हम बात करें जो पैरासाइट्स की यहां पे स्टडी की गई थी, सबसे पहले जो साइंटिस्ट आए दोस्तों उनका नाम था एबी ल्यू वैन हॉप। ये दोस्तों कब आए, यानी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक का नाम आपने सभी ने सुना होगा। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक सन दोस्तों 1861 की बात करें, 1861 में आए, और इनके द्वारा एक सिंगल लेंस का एक माइक्रोस्कोप बनाया गया था, उसी की हेल्प से ये खुद के, अगर हम बात करें ल्यूवेनहॉक ने अपने खुद के स्टूल में दोस्तों सिंगल लेंस के माइक्रोस्कोप की हेल्प से अपने खुद के स्टूल में यहाँ पे ऑब्जर्व किया, और जो सबसे पहले जो पैरासाइट्स की इन्होंने देखा उसका नाम था जियार्डिया। क्या नाम था? जियार्डिया। ठीक है, तो इन्होंने सन 1861 में दोस्तों अपने द्वारा बनाए सिंगल माइक्रोस्कोप की हेल्प से एक पैरासाइट्स को देखा, जिसका नाम क्या था दोस्तों? जियार्डिया था। इसी के साथ यहाँ पे पैरासाइट्स की यहाँ पे खोज स्टार्ट होना हो गई दोस्तों। और उसके बाद अगर हम बात करें 1861 के बाद, फिर सन 1870 में एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था, क्या नाम था? लुईस पाश्चर। लुईस पाश्चर नामक एक साइंटिस्ट आए, बहुत विख्यात यहाँ पे ये साइंटिस्ट हैं दोस्तों, और इन्होंने सबसे पहले बताया कि जो पैरासाइट्स होते हैं दोस्तों कि पैरासाइट्स भी बीमारियां फैलाते हैं, डिसीज कॉज करते हैं। यानी अब तक हमें ये पता नहीं था दोस्तों, 1861 से ये खोज हुई, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक नामक साइंटिस्ट आए, इन्होंने सबसे पहले अपने स्टूल में ऑब्जर्व किया कोई पैरासाइट, और जिसका नाम उन्होंने जियार्डिया यहाँ पे बताया। यानी पैरासाइट्स की यहाँ पे खोज तो हो चुकी थी 1861 में, लेकिन अब तक ये यहाँ पे डिसाइड नहीं हुआ था दोस्तों कि पैरासाइट यहाँ पे डिसीज कॉज करते हैं, यानी ये पैरासाइट से बीमारियां भी होती हैं, ये अब तक पता नहीं था। लेकिन 1870 में ये दोस्तों यहाँ पे साइंटिस्ट आए लुईस पाश्चर, और उन्होंने बताया कि जो पैरासाइट्स क्या है ह्यूमन में दोस्तों, डिसीज यहाँ पे क्रिएट करते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे फैक्ट है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और फिर 1870 के बाद, और 1870 के बाद एक वो साइंटिस्ट आए दोस्तों 1878 में, और जिनका नाम था पैट्रिक मानसून। पैट्रिक मानसून ने यहाँ पे सीमेन में दोस्तों, सीमेन में क्या ऑब्जर्व किया, एक यहाँ पे फ्लेरियासिस वॉर्म, क्या ऑब्जर्व किया? फ्लेरियल वॉर्म को यहाँ पे देखा, फ्लेरियल वॉर्म जो दोस्तों फ्लेरियासिस यहाँ पे कॉज करता है, और ये फ्लेरियल वॉर्म को यहाँ पे तो देखा, लेकिन उन्होंने यहाँ पे स्टडी, यहाँ पे दोस्तों जो खोज के साथ यहाँ पे क्या पता लगा कि जो फ्लेरियल जो वॉर्म होता है दोस्तों, जो एक पैरासाइट होता है, ये फ्लेरियासिस यहाँ पे कॉज करता है, और जो ह्यूमन के सीमेन में दोस्तों यहाँ पे इन्होंने देखा, ये फ्लेरियासिस को किसमें देखा? ह्यूमन का जो सीमेन में यहाँ पे ऑब्जर्व किया। ये तो ऑब्जर्व किया कि ये सीमेन में प्रेजेंट है दोस्तों फ्लेरियल वॉर्म, एक पैरासाइट, लेकिन ये किसके द्वारा फैला, ये किसके द्वारा लाया गया? तो फिलेरियसिस के यहाँ पे पॉजिटिव एजेंट बात करें तो मॉस्किटो के द्वारा, ये मॉस्किटो के द्वारा ये फैलता है। तो मॉस्किटो के साथ में ये यहाँ पे वेक्टर शब्द का यहाँ पे पता लगा कि जो फिलेरियसिस जो बॉम्ब होता है, जो फिलेरियल बॉम्ब होता है, ये एक वेक्टर के द्वारा दोस्तों ये ह्यूमन में यहाँ पे फैला।
यानी एक वेक्टर के बारे में पता चला कि पैरासाइट वेक्टर की हेल्प से ये ह्यूमन में डिसीज कॉज करते हैं। वेक्टर के द्वारा लाए जाते हैं, भाग के द्वारा किसी एक जगह से दूसरी जगह, और ह्यूमन में आके दोस्तों क्या डिसीज फैलाते हैं। तो 1878 के बाद दोस्तों एक और जो साइंटिस्ट आए, सन अगर हम बात करें 1880 में लेमनान नामक साइंटिस्ट, 1880 में एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था लेमनान नामक साइंटिस्ट ने सबसे पहले यहाँ पे प्लाज्मोडियम की अगर आप बात करें, जो मलेरिया का कॉजेटिव एजेंट होता है प्लाज्मोडियम, और प्लाज्मोडियम के बारे में इन्होंने बताया कि ये जो ह्यूमन में दोस्तों ये बीमारी मॉस्किटो के द्वारा, मलेरिया एक कॉजेटिव एजेंट है, क्या कॉज करता है दोस्तों, जो प्लाज्मोडियम जो पैरासाइट्स होता है इसका कॉजेटिव एजेंट क्या होता है, मलेरिया ये कॉज करता है ह्यूमन के अंदर, तो लेमनान नामक साइंटिस्ट ने 1880 में बताया। ये तो हिस्ट्री की बात हो गई दोस्तों, लेकिन हमको इसकी डिटेल यहाँ पे समझना है कि पैरासाइट्स को किस किस क्लास में यहाँ पे डिवाइड किया गया है, और ये पूरी जानकारी आज हम देखेंगे बहुत यहाँ पे सिंपल और आसान भाषा में समझेंगे। पैरासाइटोलॉजी से जो छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं दोस्तों, उनके बारे में भी हम आज चर्चा करेंगे और सिंपल और आसान भाषा में आज समझेंगे। अभी हमने क्या क्या देखा दोस्तों पैरासाइटोलॉजी में, आपने पैरासाइटोलॉजी क्या होती है, एक ब्रांच होती है माइक्रोबायोलॉजी की, ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी की भी 5 ब्रांच होती है, बैक्टीरियोलॉजी, वायरोलॉजी, और दोस्तों बात करें इम्यूनोलॉजी, माइकोलॉजी और पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी यानी ये माइक्रोबायोलॉजी की एक ब्रांच होती है जिसमें किसकी, पैरासाइट्स की दोस्तों स्टडी की जाती है, ये आपने समझा। अब हम उसको पैरासाइट्स की दोस्तों क्लासिफिकेशन देखेंगे। पैरासाइट्स की यहां पे क्लासिफिकेशन को देखेंगे कि पैरासाइट्स में दो क्लास में यहां पे पैरासाइट्स को यहां पे डिवाइड किया गया है, कौन कौन सी क्लास में दोस्तों इनके बारे में देखेंगे। तो पैरासाइट्स को दो क्लास में, एक प्रोटोजोआ, पैरासाइट्स क्या होते हैं एक होता है प्रोटोजोआ और एक होता है हेलमिन, इन दो क्लास में पैरासाइट्स को यहां पे डिवाइड किया। प्रोटोजोआ ऐसे पैरासाइट्स होते हैं जो कैसे होते हैं, सिंगल सेल के बने होते हैं, कैसे सिंगल सेलुलर होते हैं, जिसको या यूनिसेलुलर कह सकते हैं हम, यूनिसेलुलर कह सकते हैं, और एक होते हैं हेलमिन। हेलमिंथ कैसे होते हैं दोस्तों, हेलमिंथ ऐसे पैरासाइट होते हैं जो मल्टी सेलुलर होती है, यानी एक से अधिक सेल्स के ये बने होते हैं, ठीक है। ये पैरासाइट्स को दो क्लास में यहां पे डिवाइड किया। अब अगर हम बात करें दोस्तों इसके बाद कि जो प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ को भी दोस्तों यहां पे 4 क्लास में यहां पे डिवाइड किया गया है उनके कैरेक्टर के हिसाब से। तो कौन कौन सी क्लास में यहां पे प्रोटोजोआ को यहां पे डिवाइड किया गया है, सबसे पहली जो क्लास है दोस्तों अमीबा, यानी दोस्तों यहां पे जो रिसर्च के दौरान पता चला कि पैरासाइट्स कैसे होते हैं, एक तो यूनिसेलुलर होते हैं दोस्तों, जो एक सेल या सिंगल सेल से बने होते हैं उनको क्या कहते हैं, प्रोटोजोआ के अंतर्गत यहां पे वो आते हैं, और एक ऐसे पैरासाइट्स होते हैं जो एक से अधिक सेल्स के यानी मल्टी सेलुलर होते हैं, जिनको हम दोस्तों आंखों से भी देख सकते हैं, उनको दोस्तों हेलमिंथ यहां पे कहा। और प्रोटोजोआ यानी जो सिंगल सेल्स के बने होते हैं, और दोस्तों सिंगल सेल्स के बने पैरासाइट्स में भी ऐसे पैरासाइट्स यहां पे देखे गए जो अपना सेप, दोस्तों अगर बात करें सेप और साइज, ये दोनों चेंज कर सकते हैं, तो ऐसे पैरासाइट्स को दोस्तों अमीबा के अंतर्गत रखा। और फिर एक और यहां पे क्लास में प्रोटोजोआ को यहां पे डिवाइड किया गया है जिसका नाम क्या है दोस्तों, यहां पे देख लेते हैं फ्लेजिलेट्स, और एक होते हैं दोस्तों स्पोरोजोआ,
और एक क्लास होती है दोस्तों सिलिएट्स, यानी जो सिंगल सेल से बने ऐसे पैरासाइट्स जो इनके कैरेक्टर के हिसाब से अलग अलग फोर क्लास में इनको दोस्तों क्लासिफाई किया गया है। एक अमीबा, फ्लैजिलेट और सेकेंड नंबर का स्पोरोजुआ और सिलिएट्स, इनके बारे में हम डिटेल से समझेंगे कि अमीबा यहाँ पे अमीबा क्लास में यहाँ पे अलग यहाँ पे पैरासाइट्स को अमीबा की क्लास में क्यों रखा गया, किस कारण से, क्योंकि अमीबा का दोस्तों एक कैरेक्टर होता है। क्या कैरेक्टर होता है, स्पेशल कैरेक्टर होता है, ये अपना शेप और साइज दोस्तों चेंज कर सकते हैं। ऐसे पैरासाइट को यहाँ पे साइंटिस्टों ने ऑब्जर्व किया कि वो भाई अपने शेप और साइज को अपनी इच्छा अनुसार यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। ऐसे पैरासाइट्स को अमीबा के अंतर्गत रखा गया और फिर ऐसे पैरासाइट्स यहाँ पे देखे गए या ऑब्जर्व किए गए जिनमें दोस्तों वाइपर लाइक यहाँ पे बड़े फ्लेजला प्रेजेंट यहाँ पे देखे गए, यानी ऐसे पैरासाइट्स यहाँ पे ऑब्जर्व किए गए जिसमें वाइप लाइफ स्ट्रक्चर यहाँ पे ऑब्जर्व किया गया। वाइप लाइफ स्ट्रक्चर से हम समझ सकते हैं ऐसे पैरासाइट जिनमें दोस्तों फ्लेजिला प्रेजेंट होते हैं उनको फ्लेजिलेट्स के अंतर्गत यहाँ पे रखा गया। फ्लेजिलेट का यहाँ पे इंपोर्टेंट यहाँ पे फंक्शन होता है, कैरेक्टर होता है कि ये फ्लेजिला यहाँ पे क्या ये पैरासाइट्स को मोटाइल यहाँ पे यानी एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में हेल्प करते हैं, मूवेबिलिटी में दोस्तों ये हेल्प करते हैं। क्या दोस्तों, फ्लेजिला। तो ऐसे फ्लेजिला अगर ऐसे पैरासाइट जिसमें फ्लेजिला प्रेजेंट थे दोस्तों उनको फ्लेजिलेट्स के अंतर्गत यहाँ पे रखा गया है। और फिर ऐसे पैरासाइट्स दोस्तों यहाँ पे ऑब्जर्व किए गए जिनमें क्या दोस्तों एक सिंगल सेल्स की अगर हम बात करें वो स्पोर यहाँ पे प्रेजेंट होता है, स्पोर या न्यूक्लियस यहाँ पे देखने को मिलता है। ऐसे पैरासाइट भी ऑब्जर्व किए गए जिनमें क्या स्पोर लाइक यहाँ पे स्ट्रक्चर देखा गया या स्पोर फॉर्मिंग, ये कैसे पैरासाइट्स होते हैं, स्पोर इसमें फॉर्मिंग होती है और ये कैसे होते हैं दोस्तों, ये नॉन मोटाइल होते हैं। ऐसे पैरासाइट्स की यहाँ पे स्टडी यहाँ पे खोज की गई जो नॉन मोटाइल है और स्पोर फॉर्मिंग करते हैं, स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं। ऐसे पैरासाइट्स को यहाँ पे स्पोरोजुआ के अंतर्गत रखा गया है। जैसे कि अगर हम बात करें एक एक एग्जांपल भी आप याद करते चलिए, जो अमीबा में जो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका होता है दोस्तों, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका ये कैसा होता है दोस्तों, एक अमीबा के अंतर्गत आता है। और फ्लेजिलेट्स में क्या क्या आते हैं दोस्तों, तो फ्लेजिलेट्स में आपने जियार्डिया देखा होगा, जियार्डिया जिसको इसमें क्या प्रेजेंट होता है, फ्लेजिला प्रेजेंट होता है दोस्तों, ठीक है। तो जियार्डिया कैसा है, फ्लेजिलेट यहाँ पे पैरासाइट है। और एक स्पोरोजुआ का यहाँ पे आसान यहाँ पे एग्जाम्पल आपको याद होगा दोस्तों, प्लाज्मोडियम एक ऐसा पैरासाइट होता है जो नॉन मोटाइल होता है दोस्तों और स्पोर फॉर्मिंग यहाँ पे पैरासाइट्स होता है। और एक होते हैं दोस्तों सिलिएट्स, यानी ऐसे पैरासाइट्स के यहाँ पे स्टडी की गई कि उनकी जो बॉडी पे दोस्तों हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। ऐसे पैरासाइट भी यहाँ पे जो सिंगल सेल्स के बने हुए हैं लेकिन दोस्तों उनकी बॉडी पे हेयर लाइक यहाँ पे स्ट्रक्चर देखे गए, तो ऐसे पैरासाइट्स को यहाँ पे सिलिएट्स यहाँ पे अंतर्गत यहाँ पे आते हैं। सिलिएट्स की अगर हम बात करें दोस्तों, सिलिएट्स में आपके कौन कौन से एग्जांपल आते हैं, तो वेलेंटीडियम क्या होता है, एक सिलिएट्स का एग्जांपल है। वेलेंटीडियम ये कैसा है, सिलिएट्स का एक एग्जांपल है। तो एक एक एग्जांपल आपको याद होना चाहिए। स्पोरोजुआ के अंतर्गत प्लाज्मोडियम आप याद रख सकते हैं, प्लाज्मोडियम एक पैरासाइट है दोस्तों जो कैसा है, स्पोर फॉर्मिंग पैरासाइट है और नॉन मोटाइल पैरासाइट है। फ्लेजिलेट में आप जियार्डिया का नाम याद रख सकते हैं, जो जियार्डिया लैमिला होता है जिसका आजकल पूरा नाम क्या है, जियार्डिया लैमिला, इसको ये कैसा है दोस्तों, फ्लेजिलेट एक पैरासाइट है यानी इसमें फ्लेजिला प्रेजेंट होता है और जिस कारण से ये मोटाइल पैरासाइट होता है दोस्तों। एक अमीबा में एंट अमीबा हिस्टोलिटिका आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। इनके पूरी डिटेल के बारे में जो पूरी डिटेल हम समझेंगे पैरासाइट्स में,
लेकिन अभी हमको पूरा इंट्रोडक्शन इसके बारे में समझना होगा। उसके बाद फिर ऐसे पैरासाइट्स जो मल्टी सेल यानी जिनमें एक से अधिक सेल्स प्रेजेंट थी, ऐसे पैरासाइट्स को भी ऑब्जर्व किया गया है और उनको दोस्तों तीन क्लास में यहाँ पे डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी क्लास में डिवाइड किया गया है? एक फर्स्ट जो क्लास है दोस्तों उसका नाम है नेमाटोड्स। नेमाटोड्स पूरा यहाँ पे क्लास समझ लिख लेते हैं, पूरे इनके बारे में भी समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट आज की क्लास रहेगी दोस्तों। और जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो सेकेंड होता है दोस्तों कैस्टोड्स, जो क्वेश्चन बन सकते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में उनको भी हम कवर करते चल रहे हैं। और एक होता है दोस्तों ट्रामाटोड्स, बहुत ये इंपोर्टेंट है। अगर हमको टर्मोलॉजी याद हो गई दोस्तों, जैसे कि हमने अमीबा के बारे में समझा, अमीबा एक ऐसे पैरासाइट होते हैं कि जो अपना शेप और साइज बदल सकते हैं, ऐसे पैरासाइट को उन्होंने क्या दोस्तों अमीबा के अंतर्गत रखा। एंट अमीबा एस्टोलिटिका उसका एग्जाम्पल है। और ऐसे पैरासाइट को ऑब्जर्व किया गया जिसमें फ्लैजेला प्रेजेंट थे, बाइप्लाइक स्ट्रक्चर जिसमें प्रेजेंट था उनको फ्लैजेला नाम दिया गया और उनको फ्लैजिलेट्स यहाँ पे पैरासाइट्स के अंतर्गत रखा गया। एक होता है स्पोरोजोआ, स्पोरोजोआ में ऐसे पैरासाइट्स को रखा गया दोस्तों जो नॉन मोटाइल थे और स्पोर फॉर्मिंग करते थे, यानी उसके स्पोर का फॉर्मेशन करते थे, ऐसे पैरासाइट को स्पोरोजोआ के अंतर्गत रखा गया। सिलिएट्स में ऐसे पैरासाइट्स को रखा गया जिनके बॉडी पे दोस्तों हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट थे जो मूवमेंट करने के लिए वो दोस्तों यहाँ पे जिनका सिलिएट्स नाम यहाँ पे सिलिएट्स में ये रखा गया। और इनका एग्जाम्पल है वेलेंटीडियम, ठीक है। तो अगर हमको इनकी टर्मिनोलॉजी याद हो गई तो हमको पूरा आसान यहाँ पे लगने लगेगा। अभी सभी को बहुत यहाँ पे अगर हम बात करें पैरासाइटोलॉजी और वायरोलॉजी बहुत टफ लगता है, लेकिन आप मेरे साथ यहाँ पे कंप्लीट यहाँ पे जुड़े रहिए दोस्तों। मैं बिल्कुल आसान भाषा में सिंपल भाषा में मैं आपको समझाऊंगा। अब हम देख लेते हैं कि जो हेलमिंथ होते हैं यानी मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है, उनको तीन क्लास में यहाँ पे डिवाइड किया गया है जिनमें से फर्स्ट क्लास होती है नेमाटोड्स। नेमाटोड्स क्या होते हैं दोस्तों? और कैस्टोड और ट्रेमाटोड, ये तीन क्लास में यहाँ पर रखा गया। नेमाटोड्स का दूसरा अनदर जो नाम होता है दोस्तों जिनको हम राउंड वर्मी कहते हैं, क्या गोल कृमी, हिंदी में गोल कृमी भी के नाम से भी इनको जानते हैं हिंदी की अगर हम बात करें, या राउंड वर्म भी कहते हैं, या फिर अर्थवर्म के नाम से भी इनको जानते हैं दोस्तों। ये सारी ये टर्मोलॉजी हमको याद होना चाहिए। नेमाटोड्स क्या होते हैं यानी ऐसे पैरासाइट इन्होंने देखे भाई, राउंड वर्म से हम क्या समझते हैं, लंबे थे, लंबे थे और कैसे थे, राउंड थे, गोल थे बिल्कुल। सूती कृमी भी कहते हैं यानी जो रस्सी होती है हमारी, रस्सी कैसी होती है भाई, लंबी होती है, ठीक है, लंबी होती है और कैसी होती है, गोल होती है। लेकिन ये कैसे दोस्तों, लंबे थे, गोल थे और नॉन सेगमेंटेड, यहाँ पे जितने भी पैरासाइट देखे उनको नेमेटोड्स के अंतर्गत यहाँ पे रखा गया। फिर कैस्टोड, कैस्टोड को हम फीता कृमी भी कहते हैं हिंदी में, क्या कहते हैं दोस्तों, फीता कृमी, या फिर जो हम इंग्लिश में टैप बॉम्ब के नाम से भी हम इसको जानते हैं, कैस्टोड को टैप बॉम्ब, यानी अपना जो टैप होता है दोस्तों, आपने टैप देखा होगा, टैप बिल्कुल कैसा होता, पतला होता भाई, कैसा होता, लंबा तो होता है। आप यहाँ पे स्ट्रक्चर यहाँ पे थोड़ा बता देता हूं कि आपको यहाँ पे मेमोराइज हो जाए और आपको स्क्रीन पे भी यहाँ पे शो हो रहा होगा जो आप मैं यहाँ पे बता रहा हूं, कैसे बिल्कुल टैप के समान लंबे पैरासाइट यहाँ पे ऑब्जर्व किए गए, उनको कैस्टोड के अंतर्गत रखा। लेकिन कैस्टोड की एक यहाँ पे कैरेक्टर, इंपोर्टेंट कैरेक्टर था कि ये सेगमेंटेड थे, यानी अलग अलग ये सेगमेंट में विभक्त थे और टैप के समान, सूता फीता कृमी कह सकते हैं इसको हम हिंदी में, या फिर टैप बॉम्ब के नाम से भी हम जानते हैं, ऐसे पैरासाइट ऑब्जर्व किए गए जो सेगमेंटेड थे, ये अलग अलग सेगमेंट इनमें प्रेजेंट होते हैं और बिल्कुल टैप के समान ये चपटे और लंबे थे बहुत, तो उनको कैस्टोड के अंतर्गत यहाँ पे रखा गया। और एक होते हैं ट्रेमाटोड, ट्रेमाटोड को हम फ्लुक्स भी कहते हैं, फ्लुक्स से आपको यहाँ पे वर्ड समझना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने यहीं पे दोस्तों आसान भाषा में समझ लिया कि नेमाटोड क्या होते हैं, राउंड वर्म होते हैं भाई, लंबे होते हैं और दोस्तों गोल होते हैं, ठीक है, जिनको हम दोस्तों क्या कहते हैं, राउंड वर्म या अर्थवर्म के नाम से भी जानते हैं, और
गोल कृमि, यानी गोल हिंदी में क्या बोलेंगे राउंड वर्म को, गोल कृमि होते हैं, लंबे होते हैं और गोल होते हैं भाई, ठीक है। और कैस्टोड कैसे होते हैं दोस्तों, फीता यानी टैप के समान ये चपटे और लंबे होते हैं, टैप के जो टैप होता है अपना टैप उसके समान ये लंबे होते हैं, ठीक है, कैस्टोड। और ट्रेमाटोड्स क्या होते हैं, ये फ्लुक्स, ये इसमें फ्लुक्स कहते हैं इनको, दूसरी अगर आसान भाषा में फ्लुक्स का मतलब क्या होता है ये मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर देता हूं। आपने एक फ्लुक्स यहाँ पे इनको क्या कहते हैं, यहाँ पे ट्रेमाटोड्स को फ्लुक्स के नाम से भी जानते हैं। फ्लुक्स का यहाँ पे सिंपल सा यहाँ पे आसान यहाँ पे अगर शब्द देखें, जो आपकी चपटी मछली होती है दोस्तों इस तरह से, या लीप के समान कह सकते हैं। आपको थोड़ा सा डायग्राम यहाँ पे जगह की थोड़ी रिक्वायरमेंट थोड़ी कम है दोस्तों बोर्ड पे, यहाँ पे देख लेते हैं कि ये चपटी जो मछली आपने देखी होगी, चपटी जो मछली होती है उसके समान, या लीप के पत्ते के समान, जो आपका पेड़ जो पेड़ होता है दोस्तों उसके पत्ते के समान अगर बात करें, उस आकार के ये जो पैरासाइट देखे गए और उनको ट्रेमाटोड्स के यहाँ पे अंतर्गत रखा गया, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखे होंगे दोस्तों पैरासाइट्स जो चपटे थे मछली, जो चपटी मछली होती है बड़ी चपटी आकार की मछली, तो उनको क्या कहते हैं दोस्तों, ट्रेमाटोड्स के अंतर्गत ऐसे पैरासाइट्स को रखा गया। अब एक ये नेमाटोड, कैस्टोड और ट्रेमाटोड का आपको एग्जाम्पल भी याद यहाँ पे रखना है दोस्तों, कि जो एकाइनोकोकस ग्रैनुलोसस होता है दोस्तों, एक ऐसा राउंड वर्म होता है एकाइनोकोकस ग्रैनुलोसस, आपने नाम सुना होगा, एक किसका नेमाटोड्स का दोस्तों एक एग्जाम्पल है। और एक होता है दोस्तों यहाँ पे जो कैस्टोड का अगर हम बात करें टैप बॉम या फीता कृमि का, तो टीनिया सोलियम आपने सुना होगा, टीनिया सोलियम या टीनिया सेजिनेटा, ये किसके एग्जाम्पल होते हैं दोस्तों, ये कैस्टोड के एग्जाम्पल होते हैं जिनको हम टैप बॉम फीता कृमि के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और एक होता है ट्रेमाटोड, ट्रेमाटोड को हम फ्लक्स के जो फ्लुक्स होता है उस अनदर नाम से भी जानते हैं। फ्लुक्स का मतलब यही होता है कि जो चपटी मछली होती है ना, बड़े आकार की चपटी मछली, उस आकार के जो पैरासाइट देखे गए और ये इनको ट्रेमाटोड्स यहाँ पे कहा गया। और ट्रेमाटोड्स का अगर सिंपल एग्जाम्पल यहाँ पे हम समझे तो सिस्टोसोमा, आपने देखा होगा सिस्टोसोमा, इसका जो एग्जाम्पल है सिस्टोसोमा, किसका ट्रेमाटोड्स का, ट्रेमाटोड्स का यहाँ पे क्या एग्जाम्पल है दोस्तों सिस्टोसोमा, ठीक है, यहाँ पे आपने समझा। अब ये तो हो गया दोस्तों पैरासाइट्स के क्लासिफिकेशन के बारे में, क्लासिफिकेशन के बाद हमको पैरासाइट्स के टाइप भी यहाँ पे समझना होंगे कि पैरासाइट्स को टाइप क्या क्या होते हैं, तो उनके रहने के हिसाब से दोस्तों, सेल्टर के हिसाब से पैरासाइट्स की अगर हम बात करें, पैरासाइट्स को सिक्स क्लास में यहाँ पे क्लासिफाई किया गया है। जो पैरासाइट्स होते हैं इनको दोस्तों सिक्स क्लास में यहां पे क्लासिफाई किया गया है। एक होता है एक्टोपैरासाइट, एक्टोपैरासाइट बोलते हैं, ठीक है, एक्टोपैरासाइट, इनकी डिटेल से हम समझेंगे, पहले हम लिख लेते हैं कि कौन कौन से टाइप्स के पैरासाइट्स होते हैं। पैरासाइट्स कैसे कहते हैं दोस्तों, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपनी ग्रोथ के लिए किसी अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म पे यहाँ पे डिपेंड होते हैं या अनदर होस्ट पे डिपेंड होते हैं, तो उनको ऐसे यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं दोस्तों, पैरासाइट्स के नाम से जानते हैं। और पैरासाइट्स को सिक्स क्लास में यहाँ पे क्लासिफाई किया गया है, एक होता है एक्टोपैरासाइट और एक होता है दोस्तों एंडोपैरासाइट, एक्टोपैरासाइट, एंडोपैरासाइट और फ्री लिविंग पैरासाइट, ये पूरी डिटेल से हम समझेंगे। पैरासाइट को किस किस क्लास में यहाँ पे डिवाइड किया गया है, एक्टोपैरासाइट, एंडोपैरासाइट, थर्ड जो क्लास है दोस्तों फ्री लिविंग पैरासाइट, फ्री लिविंग पैरासाइट, फोर्थ नंबर का ऑब्लिगेट पैरासाइट, फिफ्थ
फिफ्थ नंबर का यहां पे फैकल्टेटिव फैकल्टेटिव पैरासाइट, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन इनसे ही बनते हैं। और एक होता है दोस्तों, अगर हम बात करें सिंपल एक्सीडेंटल पैरासाइट, एक्सीडेंटल पैरासाइट। अब ये एक्टोपैरासाइट्स क्या होते हैं दोस्तों, इनके बारे में समझ देते हैं। एक्टोपैरासाइट ऐसे पैरासाइट होते हैं दोस्तों, ऐसे पैरासाइट होते हैं जो एक्सटर्नल, जो बॉडी सरफेस के, जो हमारी बॉडी सरफेस होती है, बॉडी सरफेस के एक्सटर्नल यानी बाहरी तरफ, एक्सटर्नल यहां पे एक्सटर्नल सरफेस पे यहां पे इंफेक्शन क्रिएट करते हैं, एक्सटर्नल सरफेस पे इंफेक्शन क्रिएट करते हैं। ऐसे पैरासाइट को दोस्तों एक्टो पैरासाइट के नाम से हम जानते हैं, जो हमारी बॉडी सरफेस के एक्सटर्नल यहां पे इंफेक्शन करते हैं, इंफेक्शन कॉज करते हैं। ऐसे पैरासाइट को दोस्तों एक्टो पैरासाइट के नाम से हम जानते हैं। और इनका एग्जाम्पल आप एक एक याद रखना, जो टिक्स होते हैं, टिक्स और जो माइट्स यहाँ पे जो पैरासाइट्स होते हैं, उनका एक एग्जाम्पल क्या है दोस्तों, एक्टो पैरासाइट के ये एग्जाम्पल है। और एंडो पैरासाइट ऐसे पैरासाइट्स होते हैं दोस्तों, जो बॉडी सरफेस यानी इंटरनल, जो बॉडी सरफेस पे, इंटरनल बॉडी सरफेस पे इंफेक्शन यहाँ पे कॉज करते हैं, इंफेक्शन फैलाते हैं। ऐसे पैरासाइट्स को एंडो पैरासाइट्स के नाम से हम जानते हैं। जो एंडो पैरासाइट का एक एग्जाम्पल आप याद रख सकते हैं, जो प्लाज्मोडियम होता है, प्लाज्मोडियम फ्लेरियल बॉम, ये सभी कैसे हैं दोस्तों, ये एंडो पैरासाइट यानी हमारी इंटरनल बॉडी में दोस्तों इंफेक्शन यहाँ पे क्रिएट करते हैं। ऐसे पैरासाइट को एंडो पैरासाइट के नाम से हम जानते हैं। और एक होता है दोस्तों फ्री लिविंग पैरासाइट, ये फ्री लिविंग पैरासाइट ऐसे पैरासाइट होते हैं यानी ये अगर ये अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए या अपना जीवन या ग्रोथ के लिए दोस्तों, इनको होस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, यानी ये बिना होस्ट के सर्वाइव कर सकते हैं, ऐसे समझ सकते हैं। फ्री लिविंग पैरासाइट ऐसे पैरासाइट्स होते हैं दोस्तों, जिनको होस्ट की जरूरत नहीं होती है, बिना होस्ट के जो जीवित रहते हैं दोस्तों, फ्री लिविंग पैरासाइट्स यहाँ पे कहलाते हैं। और एक होता है दोस्तों ऑब्लिगेट पैरासाइट, ठीक है। अब ये ऑब्लिगेट पैरासाइट क्या होते हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट ऐसे पैरासाइट होते हैं जिनको होस्ट की भाई बहुत जरूरत होती है, क्या होती है, होस्ट की बहुत यहाँ पे जरूरत होती है, यानी ये बिना होस्ट के अपना जीवन यहाँ पे कंप्लीट, यहाँ पे लाइफ साइकिल पूरी नहीं कर सकते हैं, यानी जो बिना होस्ट के जीवित नहीं रह सकते हैं, ऐसे पैरासाइट्स को ऑब्लिगेट पैरासाइट्स हम के नाम से हम जानते हैं। एक होते हैं भाई फैकल्टेटिव पैरासाइट। अब ये फैकल्टेटिव पैरासाइट्स कैसे होते हैं, फैकल्टेटिव पैरासाइट्स वैसे पैरासाइट्स को कहते हैं जिनको ये होस्ट होस्ट मिल गया तो ठीक है, नहीं तो बिना होस्ट के भी ये दोस्तों जीवित रह सकते हैं, विदाउट होस्ट के भी ये अपना जीवन काल पूरा कर सकते हैं। तो भाई फैकल्टेटिव पैरासाइट वैसे पैरासाइट्स को कहते हैं, होस्ट मिला तो ठीक, नहीं तो बिना होस्ट के भी ये जीवित रह सकते हैं। ये यानी जो आपके जो फ्री लिविंग पैरासाइट होते हैं, इनकी तरह ये सिमिलर कैरेक्टर शो करते हैं, ठीक है। लेकिन फ्री लिविंग यहाँ पे पैरासाइट्स में क्या, इनको होस्ट की जरूरत ही नहीं रहती अपनी जीवन पर्यंत, ठीक है। और फैकल्टेटिव पैरासाइट वैसे पैरासाइट्स होते हैं अगर जिनको बिना होस्ट के तो जीवित रह ही रहे, अगर इनको होस्ट मिल गया तो ये अपना मौका नहीं छोड़ते भाई, ठीक है। तो ऐसे पैरासाइट को फैकल्टेटिव पैरासाइट्स के नाम से जानते हैं। और एक थर्ड होता है एक्सीडेंटल पैरासाइट, यानी ये होस्ट पे डिपेंड नहीं रहते हैं एक्सीडेंटली, ये एक्सीडेंटली यानी किसी होस्ट की इनको रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन ये एक्सीडेंटली किसी पे अगर होस्ट पे लिविंग मिल गया, लिविंग होस्ट मिल गया तो वो अपना यहाँ पे वहां पे ग्रोथ कर सकते हैं। तो ऐसे पैरासाइट को एक्सीडेंटली पैरासाइट के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। अभी आपने क्या क्या समझा दोस्तों, अब एक यहाँ पे आपने बर्ड यहाँ पे बार बार आ रहा है होस्ट, अभी होस्ट किस चिड़िया का नाम है इसको हम देखेंगे।
अभी आपने पैरासाइट्स को यहाँ पे टाइप देख लिए, पैरासाइट को किस किस क्लास में हम क्लासिफाई कर सकते हैं, तो इन क्लास को आपको दोस्तों यहाँ पे सिंपल जो क्वेश्चन बन सकते हैं इनमें से, ठीक है, तो वो आपको याद रखना है। अब हम देखेंगे दोस्तों होस्ट, बार बार एक यहाँ पे वर्ड आ रहा है दोस्तों, होस्ट क्या होता है, ठीक है। होस्ट दोस्तों कुछ नहीं, ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, क्या होता है, ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है, ऑर्गेनिज्म। ये डेफिनेशन आप सिंपल आसान भाषा में समझ सकते हैं, ये होस्ट क्या होता है, ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है जो पैरासाइट्स को, क्या, पैरासाइट्स को शेल्टर प्रोवाइड कराता है, शेल्टर प्रोवाइड यानी रहने का घर, रहने की जगह प्रोवाइड कराता है, और नरिशमेंट प्रोवाइड कराता है, नरिशमेंट यानी न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है दोस्तों ये पैरासाइट्स को, और ये उसकी ग्रोथ यहां पे कराता है, ठीक है। तो ये आपको टर्म यहां पे याद रखना है, होस्ट किसे कहते हैं, होस्ट ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो पैरासाइट्स को, क्या दोस्तों, शेल्टर प्रोवाइड कराते हैं, नरिशमेंट प्रोवाइड कराते हैं, और उनकी ग्रोथ यहां पे कराते हैं, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को दोस्तों हम होस्ट कहते हैं, ठीक है। तो होस्ट में एनिमल भी आ सकते हैं, एनिमल भी आ सकते हैं, या फिर आपका बात करें दोस्तों ह्यूमन भी आ सकते हैं, कोई भी आ सकता है, ठीक है। लिविंग के अंतर्गत एनिमल भी आता है, ह्यूमन भी आता है, तो होस्ट क्या होते हैं, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो पैरासाइट्स को क्या प्रोवाइड कराते हैं, रहने के लिए शेल्टर प्रोवाइड कराते हैं दोस्तों, ठीक है, और नरिशमेंट यहाँ पे उनको प्रोवाइड कराते हैं, और उनकी ग्रोथ कराने में हेल्प करते हैं, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या कहलाते हैं दोस्तों, होस्ट कहलाते हैं। अब जिस तरह दोस्तों आपने यहाँ पे देखा कि पैरासाइट्स के जो टाइप होते हैं, उस तरह होस्ट को भी दोस्तों यहाँ पे फोर क्लास में यहाँ पे क्लासिफाई किया गया है। अब पूरी डिटेल से हम आसान भाषा में समझते चलेंगे एक एक चीजों को, कि होस्ट को भी दोस्तों फोर क्लास में यहाँ पे या फोर टाइप्स में यहाँ पे डिवाइड किया गया है। होस्ट की अगर हम बात करें, होस्ट को कितनी, फोर क्लास में कौन कौन से होस्ट होते हैं, एक होता है डेफिनेटिव होस्ट, डेफिनेटिव होस्ट होता है, ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं। एक होता है इंटरमीडिएट होस्ट, इंटरमीडिएट होस्ट, और एक होस्ट होता है दोस्तों रिजर्वायर होस्ट, रिजर्वायर होस्ट कह सकते हैं, ठीक है, और एक होता है दोस्तों बात करें एक्सीडेंटल, जिस तरह एक्सीडेंटल पैरासाइट होता है उसी तरह एक्सीडेंटल होस्ट भी होता है, ठीक है। तो ये चार दोस्तों होस्ट को यहाँ पे क्लासिफाई किया गया है, एक होता है डेफिनेटिव होस्ट, इंटरमीडिएट होस्ट, रिजर्वायर होस्ट और एक्सीडेंटल होस्ट। इनको आपको डिटेल से यहाँ पे समझना होगा कि जो डेफिनेटिव होस्ट किसे कहते हैं, डेफिनेटिव होस्ट दोस्तों उनको कहते हैं जहां पे पैरासाइट, क्या, डेफिनेटिव होस्ट किसे कहते हैं, जहां पे पैरासाइट दोस्तों, पैरासाइट क्या करता है, सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करता है, सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करता है, ऐसे होस्ट को क्या कहते हैं दोस्तों, डेफिनेटिव होस्ट कहते हैं। डेफिनेटिव होस्ट उन होस्ट को कहते हैं जहां पे क्या दोस्तों, जो पैरासाइट्स होता है अपना सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करता है या मल्टीप्लीकेशन कह सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन करता है, ऐसे होस्ट को दोस्तों डेफिनेटिव होस्ट कहते हैं। एक एग्जांपल यहां पर समझ लेते हैं कि जो आपने मलेरिया यहां पे कौन कोस करता है दोस्तों, मलेरिया यहां पे प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम एक जो पैरासाइट होता है ये कोस करता है, और प्लाज्मोडियम का जो डेफिनेटिव होस्ट होता है वो क्या होता है दोस्तों, मॉस्किटो होता है, मॉस्किटो फीमेल जो एनाफिलीज होती है जो मलेरिया यहां पे दोस्तों फैलाती है, ठीक है, और उसका जो डेफिनेटिव होस्ट कौन होता है, मॉस्किटो होता है, ठीक है। तो एग्जांपल आप समझ सकते हैं प्लाज्मोडियम का डेफिनेटिव होस्ट कौन सा होता है, मॉस्किटो होता है। और एक होता है दोस्तों इंटरमीडिएट होस्ट, इंटरमीडिएट होस्ट किसे कहते हैं,
इंटरमीडिएट होस्ट उसे कहते हैं दोस्तों जहां पे पैरासाइट एसेक्चुअली रिप्रोडक्शन करता है या मल्टीप्लीकेशन करता है, वैसे होस्ट को क्या कहते हैं दोस्तों, इंटरमीडिएट होस्ट के नाम से जानते हैं। अभी एग्जांपल यहां पर समझ सकते हैं, जो प्लाज्मोडियम का डेफिनेटिव होस्ट तो मॉस्किटो होता है, लेकिन जो इंटरमीडिएट यानी जो एसेक्चुअली यहां पे जो रिप्रोडक्शन कहां पे करता है, वो ह्यूमन के अंदर करता है। तो ह्यूमन उसका कैसा हो गया दोस्तों, इंटरमीडिएट होस्ट होता है मॉस्किटो का, ठीक है। अब प्लाज्मोडियम का इंटरमीडिएट होस्ट किसे कहते हैं, इंटरमीडिएट होस्ट उसे कहते हैं जहां पे पैरासाइट अपना एसेक्चुअली रिप्रोडक्शन करता है या एसेक्चुअली मल्टीप्लिकेशन करता है, वैसे होस्ट को क्या कहते हैं दोस्तों, हम यहाँ पे इंटरमीडिएट होस्ट के नाम से जानते हैं। और उसका जो इंटरमीडिएट होस्ट का एक एग्जाम्पल है, जो प्लाज्मोडियम का यहाँ पे इंटरमीडिएट होस्ट कौन होता है, ह्यूमन होता है, ठीक है। अब एक होता है दोस्तों रिजर्वायर होस्ट, रिजर्वायर होस्ट किसे कहते हैं, रिजर्वायर होस्ट उसको कहते हैं दोस्तों जहां पे पैरासाइट किसी होस्ट पे यहाँ पे होस्ट के अंदर या कह सकते हैं किसी बॉडी या ह्यूमन के अंदर, जैसे कि किसी भी होस्ट को यहाँ पे वो नुकसान नहीं पहुंचाता, यानी किसी होस्ट में या लिविंग ऑर्गेनिज्म की हम बात करें, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में दोस्तों लिविंग में वो पैरासाइट प्रेजेंट होते हैं लेकिन उसको नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, ऐसे होस्ट उनके लिए ऐसे पैरासाइट उनके लिए क्या कहलाते हैं, रिजर्वायर होस्ट कहलाते हैं। यानी सपोज करो मेरे अंदर कोई पैरासाइट है, मतलब ये एग्जांपल यहाँ पे देने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे अंदर कोई पैरासाइट्स का यहाँ पे दोस्तों पैरासाइट्स यहाँ पे प्रेजेंट है, लेकिन वो पैरासाइट मेरे लिए कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, हार्म नहीं पहुंचा रहा है, तो मैं उसके लिए कैसा होस्ट हूं, रिजर्वायर होस्ट हूं, ठीक है। और नेक्स्ट हम समझ सकते हैं दोस्तों, नेक्स्ट होता है एक्सीडेंटली होस्ट किसे कहते हैं, एक्सीडेंटली होस्ट उसे कहते हैं दोस्तों जहां पे वो कोई पैरासाइट यहां पे प्रोफेशनल यहां पे बात करें, कोई पैरासाइट किसी पर्टिकुलर होस्ट पे यहां पे अपनी लाइफ साइकिल पूरा करता है, लेकिन पर्टिकुलर होस्ट पे ना करके किसी एक्सीडेंटली किसी दूसरे यहाँ पे होस्ट पे यहाँ पे आ जाता है एक्सीडेंटली केस में। अगर हम बात करें एक एग्जांपल यहाँ पे समझ लेते हैं, एक्सीडेंटली में जो सिस्ट होता है दोस्तों या इकाइनोकोकस जो ग्रैनुलोसस होता है, क्या एक पैरासाइट का एग्जांपल यहाँ पे समझ लेते हैं, इकाइनोकोकस जो ग्रैनुलोसस होता है ये इसका जो होस्ट होता है मेन जो होस्ट होता है वो डॉग होता है दोस्तों, क्या होता है जो इकाइनोकोकस ग्रेनुलोसस एक पैरासाइट ऐसा पैरासाइट होता है जो पर्टिकुलर यहाँ पे डॉग के अंदर यहाँ पे सरवाइव करता है, यानी उसका होस्ट पर्टिकुलर होस्ट कौन होता है, डॉग होता है। लेकिन ये यहाँ पे इकाइनोकोकस ग्रेनुलोसस यहाँ पे एक्सीडेंटली ह्यूमन में आकर दोस्तों यहाँ पे डिसीज यहाँ पे फैलाता है। आपने यहाँ पे समझा कि ये पर्टिकुलर होस्ट तो उसका डॉग था, लेकिन वो एक्सीडेंटली ह्यूमन में आके भी दोस्तों डिसीज फैला सकते हैं, ऐसे पैरासाइट्स के लिए ऐसे होस्ट एक्सीडेंटली होस्ट कहलाते हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्लियर समझा। अब एक छोटा सा टॉपिक यहाँ पे और रह गया है दोस्तों, ये तो अपने होस्ट के बारे में समझा, पैरासाइट्स के बारे में समझा, पैरासाइट्स को यहाँ पे किस किस क्लास में क्लासिफाई कर सकते हैं उसके बारे में समझा, लेकिन एक यहाँ पे दोस्तों इंपोर्टेंट यहाँ पे टॉपिक है उसको भी हम समझ लेते हैं, फिर यहाँ पे लेक्चर को यहाँ पे आज फिनिश करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, तो कोई भी यहाँ पे छूटना नहीं चाहिए। जैसे कि जो पैरासाइट्स होते हैं दोस्तों, पैरासाइट और जो होस्ट होते हैं, पैरासाइट और होस्ट के रिलेशनशिप के बारे से एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, होस्ट रिलेशनशिप जो बात करें पैरासाइट और होस्ट के बीच में, यहाँ पे तीन प्रकार का यहाँ पर रिलेशन होता है। एक होता है सिम्बायोसिस के नाम से जानते हैं, ठीक है, और एक सेकेंड होता है कमेंसलिज्म, और एक थर्ड जो रिलेशन होता है दोस्तों वो होता है पैरासिटिज्म। अब सिम्बायोसिस एक ऐसा, जैसे दोस्तों रिश्तेदार होते हैं ना, उस तरह पैरासाइट और होस्ट के बीच में भी एक रिलेशन होता है, ठीक है। तो सिम्बायोसिस
कैसा एक रिलेशन होता है, जैसे कि कोई होस्ट है और पैरासाइट है, इनके बीच में यानी जो पैरासाइट किसी होस्ट के अंदर दोस्तों यहाँ पे प्रेजेंट है, लेकिन ना तो प्रेजेंट तो है लेकिन ना तो उससे कोई नरिशमेंट ले रहा और ना होस्ट को दोस्तों इस पैरासाइट से कोई प्रॉब्लम हो रही, यानी दोनों के बीच में ऐसा रिलेशन क्या कहलाता है दोस्तों, सिम्बायोसिस कहलाता है। ना तो पैरासाइट का यहाँ पे कोई मतलब नहीं कर रहा, पैरासाइट किसी होस्ट में प्रेजेंट तो है लेकिन ना तो उससे कोई न्यूट्रिशन ले पा रहा है ले रहा है और ना ही उसको दोस्तों जो होस्ट है उसको कोई नुकसान पहुंचा रहा है, तो ऐसा रिलेशनशिप कैसा कहलाता है दोस्तों, सिम्बायोसिस कहलाता है। और एक होता है कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म क्या होता है, ऐसा रिलेशन होता है दोस्तों होस्ट और पैरासाइट के बीच में, जहां पे होस्ट से अगर हम बात करें, होस्ट से यहाँ पे क्या पैरासाइट न्यूट्रिशन भी लेता है लेकिन उसको नुकसान नहीं पहुंचाता है, ऐसे टाइप के रिलेशन को क्या कहते हैं, कमेंसलिज्म कहलाते हैं। यानी किसी होस्ट में पैरासाइट प्रेजेंट है, पैरासाइट उससे न्यूट्रिशन यानी पोषण ले रहा है, नरिशमेंट ले रहा है, न्यूट्रिशन ले रहा है, लेकिन उसको किसी भी प्रकार का दोस्तों हार्म या नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, तो ऐसे टाइप के रिलेशनशिप को कमेंसलिज्म के नाम से हम जानते हैं। और एक होता है दोस्तों पैरासिटिज्म, ये बहुत खतरनाक रिश्ता होता है भाई, दुश्मन दोस्त जब दुश्मन बन जाता है उस तरह का, तो ये जैसे होस्ट होता है और एक पैरासाइट होता है, ठीक है, ये पैरासाइट होस्ट में के अंदर प्रेजेंट है, उससे नरिशमेंट भी ले रहा है और उसको हार्म भी पहुंचा रहा है यानी नुकसान भी पहुंचा रहा है, ऐसे पैरासाइट्स के रिलेशनशिप को हम पैरासिटिज्म के नाम से हम जानते हैं। तो आज के टॉपिक में यहाँ पे कंप्लीट हुआ दोस्तों, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा और आप चाहते हैं मुझसे आगे भी पढ़ना, तो कमेंट बॉक्स में जरूर यहाँ पे कमेंट करिए कि मेरा यहाँ पे पढ़ाया हुआ जो तरीका है वो कैसा लगा, और लेक्चर आपको चाहिए कि नहीं इसके बारे में जरूर बताएं, और आगे एक डिटेल हम समझते रहेंगे जो पैरासाइटोलॉजी के अंदर जितने भी पैरासाइट्स आते हैं, पैरासाइट्स को जैसे कि जो क्लास में हमने क्लासीफाई किया उन क्लास को एक एक डिटेल में हम समझते चलेंगे, तो आगे हम ये लेक्चर हम कंटिन्यू करेंगे। बस आप लोग यहाँ पे कमेंट करके जरूर बताएं आपको लेक्चर कैसा लगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू सो मच।